हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी फिश करी और ये मैं रोहू फिश ली हूँ। आप कौन सा भी फिश ले सकते हैं। पहले मैं रोहू फिश को 10 मिनट के लिए हल्दी और नमक के साथ मैरिनेट करके रख दिया था। अब सारे फिश को मैं फ्राई कर लूँगी। मैं मस्टर्ड ऑयल ली हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, पर मस्टर्ड ऑयल में ये फिश का स्मेल बहुत अच्छा आता है। अब फिश को ज़्यादा देर नहीं फ्राई करूँगी मैं, बस 1 या 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। अब हो गया मेरा फिश फ्राई। अब मैं एक बॉल में निकाल दूंगी सारे फिश को, धीरे धीरे करके निकालूंगी ताकि टूट ना जाए फिश। बस अब करी बनाने के लिए जो जो चाहिए वो है जीरा, 2 तेजपत्ता, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और एक बड़ा सा टमाटर, प्याज और एक बड़ा आलू चाहिए हमें। उसको मैं लंबा लंबा करके काट दिया है, धनिया पत्ता। और सॉरी फ्रेंड्स, इसको इसमें जिंजर गार्लिक भी पेस्ट चाहिए और मैं रखने के लिए भूल गई थी, आप ज़रूर ऐड कर दीजिए इसमें। चलिए फिर बनाते हैं हमारा फिश करी। वही तेल में ही मैं जीरा और तेज़पत्ता का फोड़न लगा दूंगी। बस थोड़ा क्रैकल होने के बाद मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज को थोड़ी देर में फ्राई करूंगी। इसके बाद अभी वो आलू डालूंगी। आलू को थोड़ा अच्छा से फ्राई होने तक मैं भूनूंगी। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी, फिर टमाटर डाल के थोड़ी देर फ्राई करूंगी। इसके बाद नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर को मिला दूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं अच्छे से भूनूंगी मसाला को। मसालों का अच्छा से भूनना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर अब इसमें मैं बड़ा कप में 1 कप पानी दूंगी। आप पानी को थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं, पर मुझे थोड़ा सेमी ग्रेवी चाहिए इसलिए ज़्यादा मैं पानी नहीं देती हूँ। अब फ्राई किया हुआ फिश को मैं सारे फिश को एक एक करके डाल दूंगी। बस हमारा रेडी हो गया है फिश करी। बस और 5 मिनट लगेगा। ये बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी सिंपल सा है। अब इसमें मैं धनिया पत्ता काट के रख डाल दूंगी और ये व्हाइट राइस के साथ आप खा सकते हैं। व्हाइट राइस और फिश करी, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसको हम लोग उड़िया में बोलते हैं माछो झोलो। माछो झोलो सही तो व्हाइट राइस मैं उड़िया में बोली हूँ। हो गया हमारा फिश करी माछो झोलो। आप ज़रूर ट्राई कीजिए।